नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। देश में कोरोना वायरस की संख्या 1,65,000 से भी ज्यादा हो गई है। कोरोना वायरस केस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार हर प्रयास से लगी हुई है कि वायरस को ज्यादा से ज्यादा फैलने से रोका जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है, लॉकडाउन के फंसे श्रमिक कामगारों को दूसरे राज्यों से वापस लाने का अभियान अब बंद होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा है कि अब तक 27 लाख लोग वापस आ चुके हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कह दिया है कि जिसे भी यूपी वापस आना है वह इस माह तक आ जाए। इस संबंध में उन्होंने ट्वीट भी किया है। उसके बाद इस बयान से ऐसा लगता है कि इसके बाद श्रमिक कामगारों को खुद पैसा लगाकर अपनी व्यवस्था से लौटना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ लॉकडाउन व अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। लोक भवन में पत्रकारों से बातचीत के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि दूसरे राज्यों से ट्रेन द्वारा लाने के लिए चलाए जा रहे अभियान का इस माह समापन हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी श्रमिक व कामगार यूपी में वापसी करना चाहते हैं वह इस माह तक वापसी कर लें। मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि गुरुवार को दोपहर 2 बजे तक यूपी में 1411 ट्रेन आ गई हैं, जिनमें 19,15,000 लोग आए हैं। उन्होंने बताया कि 63 अन्य ट्रेन भी आने वाली हैं। इसके अतिरिक्त 140 ट्रेन के आने की सहमति दी गई है। प्रदेश में अब तक करीब 27 लाख से अधिक लोगों की वापसी हो गई है। शायद अब सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन या बसों से निशुल्क वापसी के अभियान को बंद करने का सोचा है। इसके बाद यदि कोई वापस आएगा तो उसे यात्रा का खर्च खुद उठाना पड़ेगा। कोरोना महामारी से लड़ने के साथ उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में स्थापित उद्योगों और नए स्थापित होने जा रहे उद्योगों से स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण कराया जाए। इससे स्वदेशी अभियान की सफलता के साथ ही श्रमिक कामगारों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा योगी ने गृह विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जो भी बिना मास्क के घूमते मिले उससे नियम अनुसार जुर्माना भी लिया जाए। साथ ही पाँच रुपये में सरकार उसे मास्क भी मुहैया कराएगी। यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर हाथ को काम मिले। थी इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन सहित अन्य औद्योगिक संस्थाओं के साथ शुक्रवार को MOU साइन किया जा रहा है। इससे प्रदेश के 9 लाख लोगों को रोजगार दिलाया जा सकेगा। धन्यवाद।